Assalamualaikum students, how are you? I hope all of you will be fine. We are going to start English work. First off, all of you open your planner. Week number 7, planner number 31. Planner number 31 में workbook page number 38 and reading book page 16 and homework reading revision बुक पेज नंबर 12. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर वर्क. ओपन योर वर्कबुक पेज नंबर 38. सबसे पहले आपने डेट लगानी है. डेट क्या है? फर्स्ट सिक्स 20, फिर डे मेंशन करना है. ट्यूसडे, TUES, ट्यूसडे. वी विल डिस्कस अबाउट दिस और दिस. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दिस एंड दिस एंड टुडे वी विल make sentences with this and these. अब आपको पता है this किसके लिए use करते हैं और these किसके लिए use होता है. We use this for one object. हम एक चीज़ के लिए, एक single object के लिए हम this use करते हैं. जैसे for example, rat एक ही rat है, cup, book, duck. तो इसके लिए हमने क्या यूज़ किया हुआ है? दिस 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 दिस. और दिस के साथ हमने क्या लगाना है? इज. दिस इज़ अ रेड, दिस इज़ अ कप, दिस इज़ अ बुक, दिस इज़ अ डक. दिस वी यूज़ दिस फॉर द ऑब्जेक्ट्स दैट आर मोर देन वन एंड दे आर नियर टू अस. हम दिस यूज़ करते हैं एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए. हम दीज यूज़ करते हैं और दीज के साथ हमेशा आर आता है, ARER. दीज आर रैट्स. ये देखें, यहाँ पे सिंगल है, एक रैट है, और यहाँ पे एक से ज़्यादा हैं रैट्स. दीज आर रैट्स. यहाँ पे एक कप है, इसके लिए हमने दिस यूज़ किया. यहाँ पे एक से ज़्यादा कप हैं, दीज आर कप्स. These are books. These are ducks. अब नीचे देखें, आपकी डिक्टेशन वर्ड्स हैं. रिवीजन हो रही है. रिवीजन डिक्टेशन वर्ड लिस्ट नंबर 6. चिक, चिन. फर्स्ट वर्ड है चिक, सेकंड वर्ड इज चिन. यू विल बी राइट दीज वर्ड्स ऑफ टू टाइम्स. यू विल बी राइट दीज वर्ड्स टू टाइम्स एंड लर्न विद स्पेलिंग्स. आपने ये वर्ड टू टाइम्स लिखने हैं नीट राइटिंग में और इनको विद स्पेलिंग, स्पेलिंग के साथ आपने इनको याद करना है. स्टूडेंट्स, आपने पहले अपनी पेंसिल शार्प करनी है और फिर नीट राइटिंग में आपने ये काम करना है. ज़्यादा इरेजर यूज़ नहीं करना. ओके, अब हम अपनी रीडिंग की तरफ आते हैं. आज की हमारी रीडिंग क्या है? हमारी रीडिंग भी जो हमने क्लास वर्क में, रिटर्न वर्क में काम किया है, हमारी रीडिंग भी उसी से रिलेटेड है. ये देखें, दिस इज़ अ रैट, दिस इज़ अ कप, दिस इज़ अ बुक, दिस इज़ अ डक, दिस इज़ अ रिंग, दीज आर रैट्स, दीज आर कप्स, दीज आर बुक्स, दीज आर डक्स, दीज आर रिंग्स. अब आपने नीट राइटिंग में अपना काम करना है और इस रीडिंग को भी आपने अच्छे से लर्न करना है. ये कल मैं आप सबसे सुनूंगी. ओके, अल्लाह हाफिज़.